आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हर सुहागन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल त्यौहार होता है। सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल। मैं हूँ शिवानी और रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ बहुत सारी वीडियोज। जैसा आप सबको पता है कि आज है करवा चौथ और आप देखो मैंने मेहंदी भी लगा लिया है खुद से, दोनों हाथ में लगाई हूँ मेहंदी। आपको दिखाती हूँ, देखो दोनों हाथ में मैंने खुद से ही लगाया है। ड्रेसअप कर लिया है, हो चुकी हूँ रेडी अच्छे से और मैंने ये चूड़ी वूड़ी भी डाला है। तो अब कुछ नहीं, बस करवा चौथ के दिन करते क्या है, पूजा करते हैं। तो अब पूजा करूँगी भगवान जी का और फिर चंद्र भगवान का भी पूजा करूँगी। अब करना है करवा माता की पूजा और साथ में पार्वती गणेश जी की भी पूजा होती है आज के दिन, वो होगा तो वो मैं करती हूँ, वो थोड़ा थोड़ा दिखलाती हूँ। इंजॉय करना आप मेरे वीडियो को। कार्तिकेय मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करवा करत चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हैप्पी करवा चौथ सभी को। आपको पता है अभी बज रहे हैं 9:20 और मैं आपको दिखलाती हूँ चांद आ गया है। इंतजार करते करने के बाद, इतना करने के बाद चांद आ गया, तो मैं आपको चांद दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए आप भी, आपको मैं चांद दिखाती हूँ। चांद आ चुका है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि करवा चौथ में कितना इंतजार कराता है चांद, फाइनली चांद आ गया है। और अब मैं पूजा करती हूँ और बारी बारी करके आपको सब कुछ दिखलाती हूँ। लेट्स गो। बस पूजा वूजा करके बैठी हूँ। सौरभ उधर कुछ कुछ कर रहे हैं किचन में, आज उन्होंने भी बहुत कुछ बनाया है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाए, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने भी बनाया है, बहुत हेल्प करा उन्होंने आज। और अभी मैं जा रही हूँ पूरी छानने के लिए, सौरभ बेल रहे हैं और मैं छानूंगी फटाफट, फिर मैं कुछ खाती हूँ, फिर आपको भी दिखलाती हूँ आज क्या क्या बना है खाने में। तो चलिए आप भी किचन में मेरे साथ।
मैंने आज खुद से ही मेकअप करा, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ये लुक। तो देखिए, आँख का भी मेकअप आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से है। और मैं सिंपल मेकअप करना पसंद करती हूँ, तो मुझे सिंपल ही आता है। आप बताइएगा मेरा मेकअप आपको कैसा लगा है। तो आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा करवा चौथ का, कि कैसे मैं मनाई हूँ करवा चौथ। जो सामान यहाँ मिलता है उसी से करना पड़ता है, बहुत कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर से मेरे पास सब कुछ होगा। मैंने इस बार पहले ही बोल दिया है कि नहीं, मेरे लिए सारा सामान जो जो नीड है वो सब खरीद के रखो भाई, नेक्स्ट ईयर मेरे को अच्छे से करना है। तो बस हाँ, मैंने इस तरीके से पूजा किया है, सिंपल और स्वीट पूजा। जो भी गलती हुआ होगा, पार्वती माता गणेश जी का व्रत होता है आज का दिन, तो वो क्षमा कर देंगे मेरे को। उम्मीद, आपको पता है करवा चौथ हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो घर की बहुत याद आती है, क्योंकि आप घर पे बहुत लोग होता है साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ आपको सब कुछ अकेले करना पड़ता है। बट ठीक है, जो बाहर में रहते हैं, कोई भी इंसान इंडिया में रहता है या किसी भी दूसरे स्टेट में रहता है या कंट्री दूसरा रहता है, तो खुद ही आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो इतना चलता है। कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं है। तो बस यही सब ब्लॉग था आज का छोटा मोटा, होप आपको अच्छा ही लग रहा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे वीडियो को प्यार देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए काउंट वैल्यूबल नहीं है कि हाँ इतने लोगों ने देखा या थोड़े लोगों ने देखा है, जितने भी लोग हैं, अगर मेरे लिए 10 लोग भी देखते हैं तो भी मैं बनाती हूँ वीडियो। मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं बस वीडियो बनाती हूँ। और धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ और चेंजेस लाऊँ अपने वीडियोज़ की क्वालिटी में, कॉन्टेंट में, तो स्लोली स्लोली हो जाएगा। तो अभी बस यही सब था, तो फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।